तो दोस्तों वेलकम टू डियर टेक्निकल ज्ञान। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है बॉम्बार्डिंग, क्योंकि आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो शायद यूट्यूब में अभी तक एकदम लेटेस्ट टॉपिक है, अभी तक डिस्कशन में आया नहीं है। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है फाइनल माइन्यूट्स ऑफ ICH असेंबली मीटिंग 2019 and 20 जो हुआ था नवंबर में सिंगापुर में, और ये पब्लिश हुआ है February 10, 2020 को। तो चलिए आज का जो है ICH हार्मोनाइजेशन और बेटर हेल्थ शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में बिल्कुल इसको स्किप मत करिए, क्योंकि ये जो है आपको ज्ञान का भंडार लेके आएगा। ICH के साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, उसके लिए जानना जरूरी है कि ICH ने क्या मीटिंग किया है, क्या उनका एजेंडाज है, क्या उसमें चेंजेस होने वाला है और क्या क्या उनका प्रपोजल्स है। तो चलिए देखते हैं उनका एजेंडाज क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि उनका प्रोसीड्यूरल मैटर। तो टोटल जो डिस्कशन हुआ था उसमें टोटल 11 प्रोसीड्यूरल मैटर्स थे जिनके ऊपर अपना ये मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि मेंबरशिप एंड ऑब्जर्वशिप्स। लास्ट जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था नेदरलैंड्स में June 2019 एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में लास्ट मीटिंग होने के बाद उनका अभी तक कोई भी एप्लीकेशन पर नया मेंबरशिप और ऑब्जर्वशिप सबमिशन नहीं हुआ है। दूसरा देखते हैं अभी अपडेट ऑफ MedDRA। MedDRA का जो चेयरपर्सन है मिक फॉय, जो कि MHRA यूके का पर्सन है, MHRA के साथ वो जुड़ा हुआ है काफी दिनों से। तो उन्होंने क्या बोला है कि MedDRA मीटिंग हेल्ड ऑन 17-18 November 2019 जिसमें कोमेमोरेशन ऑफ MedDRA 20 इयर्स एनिवर्सरी इन 2019 का सेलिब्रेशन की बातें किया गया है। उसमें MedDRA का 20 इयर्स एनिवर्सरी, उसका एक्सपेंशन ऑफ MedDRA यूज इन वर्ल्ड वाइड जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है, 2020 MedDRA बजट और उसका सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में डिटेल्स में बातचीत हुआ है, 2020 MedDRA MC वर्क प्लान और ऑनगोइंग एक्टिविटीज के बारे में डिटेल्स डिस्कशन हुआ है। अभी देखते हैं कि ICH में ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था सिंगापुर में, उसमें उनका असेंबली नोटेड द ICH एंड MedDRA बजट सबमिशन। तो उसका जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसके ऊपर में विस्तारित डिस्कशन हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स अभी उसके ऊपर चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पहले ही आता है वो है कोलाबोरेशन विथ पिक्स, जो कि आप लोग जानते हैं कि पिक्स गाइडलाइन जो है वो काफी जगह पे बहुत ही मशहूर है। पिक्स जो है फार्मास्यूटिकल इनकॉर्पोरेशन कोऑपरेशन स्कीम, दैट इज पिक्स गाइडलाइन। तो पिक्स ने क्या बोला है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसीड्यूरल इन लाइन विथ ICH प्रोसेस पिक्स वुड बी इन्वॉल्व इन द ICH गाइडलाइन वर्क ड्यूरिंग द पब्लिक कंसल्टेशन फॉलोड बाय द स्टेप 2B एंड एडिशनली एज ए ICH ऑब्जर्वर। पिक्स वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू बी द पार्ट ऑफ प्लेनरी वर्किंग पार्टीज, दैट इज PWPs, व्हिच वुड अलाउ एन इन्वॉल्वमेंट प्रायर टू द स्टेप 1। ये था पिक्स का रिकमेंडेशन टू ICH। तो देखते हैं ICH ने उसके ऊपर क्या अपना उसका डिसीजन और एक्शन व्यक्त किया है या बोला है। वो है असेंबली सपोर्टेड द
pilot process for the proposal would be developed by the ICHMC for sharing the PICs, and noted that it would be informed on progress of next meeting. So, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ICH ने उनका assembly को support किया है और उनका जो pilot process है उसके लिए उन्होंने आगे जो है PICs को share करेंगे और आगे का process के लिए next meeting में वो declare करेंगे कि क्या steps ICH लेंगे PICs के बारे में. अभी देखते हैं कि annual work plan with multi-annual strategic plan of the association. इसके ऊपर जो है annual work plan क्या क्या करेंगे साल भर में, और annual multi-annual strategic plan मतलब साल भर में अलग अलग तरह का क्या क्या उनका उनका strategy है, उनका planning है, उसके ऊपर detail में बातचीत हुआ है. General operational matter के ऊपर उनका discussion हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि न्यू टॉपिक प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, जो 2019 का न्यू टॉपिक्स था उसके ऊपर विस्तारित डिस्कशन हुआ है. द असेंबली वाज इन्फॉर्म्ड ऑन पेंडिंग आइटम्स फ्रॉम 2019 न्यू टॉपिक प्रोसेस इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट पेपर आउटलाइन ऑन द रिविजन ऑफ ICHQ9 दैट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. द रिवाइज न्यू टॉपिक proposal and concept paper outline on bioequivalence for immediate release, oral dosage forms and timeline for the intimations work on new topic approved in June 2019 on impurity assessment and control of extractable and leachable for pharmaceutical and biologics. इसके ऊपर assembly ने क्या decision दिया है चलिए अभी देख लेते हैं. तो असेंबली ने बोला है, द असेंबली अप्रूव द कॉन्सेप्ट पेपर आउटलाइंड फॉर द रिविजन ऑफ ICHQ9 एंड नोटेड दैट द टाइम फ्रेम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Q9R1 इनफॉर्मल WG टू बी लेड बाय ईसी यूरोप एज द पार्टी हु प्रपोज दिस टॉपिक विल बी फर्दर डिटरमाइंड बाय द MC. तो क्लियरली समझ में आता है कि पहले जो 2019 का टॉपिक था जो ईसी यूरोप का था, उन्होंने ये प्रपोजल दिया था, उनका प्रपोजल था ICHQ9 के ऊपर जो कि अभी आगे MC डिटरमाइन करेंगे मतलब उसका डिसीजन आगे देंगे. तो वो कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट पेपर तो अप्रूव हो गया है और फर्दर रिविजन्स के लिए वो अप्रूवल आगे डिटरमाइन करेंगे. नेक्स्ट जो है द असेंबली पेपर approved on new topic proposal and concept paper outline on bioequivalence for immediate release solid doses forms further to the M13 informal WG will be established to be led by FDA United States as the party who proposed this topic. So FDA ne proposal kya diya tha, FDA ne ye proposal diya tha ki जो इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोजेस रहेंगे उसके लिए उसका M13 इनफॉर्मल WG वो एस्टेब्लिश के लिए उनका एक पेपर था. वो पेपर जो है वो पेपर का अप्रूवल तो हो गया है और उसका कॉन्सेप्ट आउटलाइन अभी रेडी कर रहे जो कि ना मेन हेडिंग में आएगा बायो इक्विवेलेंस. आगे है द असेंबली इज नोटेड फॉर द वर्क would intimate after the submitting on new topic proposal adopted by the assembly on June 2019 on impurity assessment and control of extractable and leachable for pharmaceuticals and the biologics with the establishment of Q3E informal WG to be led by the PHRMA as the party who proposed this topic. तो PHRMA इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टॉपिक जो है प्रपोजल था इनका न्यू टॉपिक्स था. न्यू टॉपिक्स जो था वो ऑलरेडी असेंबली ने जून 2019 को अप्रूव कर दिया था, वो इम्प्यूरिटीज के ऊपर था. उसमें क्या था, असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिक्स. तो इसका अभी Q3E में इनफॉर्मल WG में इसको इनकॉर्पोरेट करके
इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल आ चुका है। अभी जो है 2020 के न्यू टॉपिक्स के लिए देखते हैं असेंबली ने क्या डिसीजन या बोला है, एक्शन प्लान दिया है। द असेंबली नोटेड दैट टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एनी न्यू टॉपिक प्रपोजल रिसीव्ड ऑन द क्वालिटी टॉपिक्स वुड बी रीडायरेक्टेड बाय द एमसी टू क्वालिटी डिस्कशन ग्रुप दैट इज क्यूडीजी व्हिच वुड रिव्यू द टॉपिक्स फॉलिंग विद इन इट्स रेमिट एंड रिपोर्ट विद द रिकमेंडेशंस फॉर 2021 न्यू टॉपिक प्रोसेस इंक्लूडिंग कंसिडरेशंस ऑन एक्सपर्ट कैपेसिटी फॉर क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक्स। अभी रिफ्लेक्शन पेपर भी इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्शन पेपर में दो पेपर थे, देख रहे थे वो दो पेपर क्या क्या थे। ICHMC प्रेजेंटेड द असेंबली द स्टेटस ऑफ वर्क रिगार्डिंग द मेंबर डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर ऑन मॉडर्न इन्फॉर्म्ड ड्रग डेवलपमेंट दैट इज MIDD एंड ऑन पेशेंट फोकस्ड ड्रग डेवलपमेंट दैट इज PFDD। तो इनका दो रिफ्लेक्शन पेपर था, एक था मॉडल इन्फॉर्म्ड ड्रग डेवलपमेंट, दूसरा था पेशेंट फोकस्ड ड्रग डेवलपमेंट, जिसके ऊपर विस्तारित डिस्कशन हुआ है। इसका स्टेटस, इसका मेंबर डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हुआ है और इसको आगे कैसे करना है उसके ऊपर बातचीत डिटेल्स में थोरली किया गया है। अभी देखते हैं कि ICH और WHO के बारे में इसमें क्या डिस्कशन हुआ है। द असेंबली वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन considerations ऑन द एरियाज ऑफ वर्क एंड complementaries ऑफ ICH एंड WHO टू बी considered इन द ICH गाइडलाइन डेवलपमेंट। मतलब है कि ICH गाइडलाइन डेवलपमेंट में WHO का जो भी considerations है वो भी उसको इवेल्युएट किया जाए और उसके बारे में कुछ एक्शन प्लान डिराइव किया जाए। तो उसके बारे में ICH का कहना है कि द असेंबली नोटेड द WHO's considerations शेयर्ड ऑन द एरियाज ऑफ वर्क एंड कॉम्प्लीमेंटरीज ऑन ICH एंड WHO व्हिच शुड बी कंसिडर्ड इन द ICH गाइडलाइन डेवलपमेंट। तो ICH ने क्लियरली बोल दिया है कि WHO का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका जो भी कॉम्प्लीमेंटरीज है, उसको इवेल्युएट करके आगे का ICH गाइडलाइन डेवलप करने के लिए WHO का जो भी राय है, जो भी उनका सराह है, उसको आगे साथ में लेके ही ICH का गाइडलाइन डेवलपमेंट करेंगे। अभी देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICH गाइडलाइन, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ICH क्या बोलते हैं। द असेंबली नोटेड दैट द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICH गाइडलाइंस बाई ऑल द ICH रेगुलेटरी मेंबर्स इज पब्लिश्ड ऑन द ICH वेबसाइट। ICH का वेबसाइट में ICH गाइडलाइन और ICH रेगुलेटरी मेंबर्स के बारे में सब कुछ पब्लिश हो चुका है अभी। And regulatory members of the assembly are invited to inform directly the ICH secretariat for any update. तो जितना भी regulatory members है सबको बोला गया है कि आपका अगर कुछ उसमें अपडेट करना है उसमें तो आप immediately ICH secretariat को inform करिए। अभी सबसे important जगह पे आ चुके हैं कि ICH का training के बारे में क्या discussion हुआ है। तो देख रहे थे training के बारे में क्या discussion हुआ है। ICH recommendations और recognized training programs, तो ICH recommend कर रहे या फिर ICH उसको recognize कर रहे ऐसे training programs क्या क्या हुआ है। North Eastern University में 16 से लेकर 18 अक्टूबर 2019 तक एक training organize हुआ था ICH Q1 के ऊपर, जो हुआ था बार्लिंगटन MA USA में। तो उसको एज ए ऑफिशियल ट्रेनिंग डिक्लेयर किया गया है। एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुआ था 11 से लेकर 14 नवंबर 2019 बीजिंग चाइना में, जिसका था टॉपिक था APEC-PQ रेगुलेटरी साइंस को ई में, जिसमें MRTC और इनकॉर्पोरेटिंग GCP रिलेटेड कंसीडरेशंस था। तो इसके ऊपर डिटेल्स में 3 दिन का डिस्कशन चला है और उसको एज ए ऑफिशियल ट्रेनिंग डिक्लेयर किया गया है। Recent publications on ICH website of the Q7 online training material developed by the Parenteral Drug Association, that is PDA. So PDA ने Q7 के ऊपर online training material develop किया है, and which had been approved by the training
सब कमिटी ऑफ आईसीएच रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको आईसीएच ने एज ए आईसीएच का जो सब कमिटी है ट्रेनिंग सब कमिटी, उन्होंने उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज रिकॉग्निशन दिया है और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है पीडीए को कि आप ये Q7 के ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो आपने मटेरियल डेवलप किया है यू कैन प्रोसीड फॉर एज अ ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप उसको ऑफिशियली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन गोइंग कंसिडरेशन टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ E2B R3 EWG IWG एंड Q12 EWG फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग मेटेरियल भाया FDA यूनाइटेड स्टेट्स स्टूडियोज। तो FDA यूनाइटेड स्टेट्स स्टूडियो को बोला है कि आप E2B R3 EWG IWG और Q12 EWG के ऊपर आप ट्रेनिंग मेटेरियल डेवलप करिए। रिसेंट पब्लिकेशंस ऑन ICH वेबसाइट ऑफ ट्रेनिंग वीडियोस डेवलप्ड बाय ICH WGS ऑन Q11 Q and S and E17। रिसेंटली ICH का कुछ ट्रेनिंग वीडियो पब्लिश हुआ है जो कि ना ICH WGS ने पब्लिश किया है Q11 Q and A and E17 के ऊपर। उसके बाद है कि प्रोग्रेस मेड ऑन फर्दर कॉल फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ ICH इन April 2019 फॉर ICH ट्रेनिंग एसोसिएट्स एम्ड एट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉमर्सिंग एसोसिएट accredited non-profit training organizations institutions to assist the ICH in its efforts to address in a strategic manner and the training needs of our regulatory and industry members and observers। तो उन्होंने ये बोला है April 2019 में कि जितना भी non-profit training organization और institutions है उनका जो efforts है उसको एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनर में वो ट्रेनिंग नीड को इवेल्युएट करेंगे और रेगुलेटरी और इंडस्ट्रीज जितना भी है इंडस्ट्रीज मेंबर जो है उन सबको पार्कुलेट करेंगे। अभी देखते हैं कम्युनिकेशंस क्या क्या हुआ है। कम्युनिकेशंस उसमें आता है कि कोमेमोरेशन ऑफ ICH 30th एनिवर्सरी जो कि काफी खुशी की बात है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2020 को उनका जो है 30th एनिवर्सरी होगा जिसके लिए उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन कमिटी को प्रिपरेशंस करने के लिए बोले हैं। अभी देखते हैं Q4B मेंटेनेंस। Q4 मेंटेनेंस जो है उसमें है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप जो है कि PDG, उन्होंने क्या किया है रिव्यू एंड कैटेगोराइजेशन ऑफ Q4B एनेक्सर्स टाइम फ्रेम फॉर द रिविजन ऑफ Q4B एनेक्सर्स एज अ पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 5 ऑफ द SOP WGS एंड एज अ रिविजन ऑफ Q4B गाइडलाइन टू अलाइन विद द Q4B एनेक्सर्स मेंटेनेंस प्रोसेस अप्रूव्ड बाय द असेंबली एट द मीटिंग इन चार्लियट NC USA इन द November 2018। अभी देख लेते हैं कि WGS मीटिंग सिंगापुर में जो हुआ था उसमें नेक्स्ट मीटिंग उन्होंने डिक्लेयर किया है कि नेक्स्ट ICH मीटिंग इन वैंकूवर कनाडा जो कि ना होने वाला है 24th से लेके 27th May दैट इज संडे टू लेके वेडनेसडे 2020 को एंड वुड बी टेकिंग अंडर कंसिडरेशन बाय द ICH MC एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग। ये मीटिंग होने के बाद खत्म होने के बाद उन्होंने ये डेट को फाइनलाइज करेंगे तो अभी ये उनका इवेल्युएशन में था। अभी देखते हैं E2D R1 EWG पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट, इसके ऊपर उनका थॉरली डिस्कशन हुआ है। जो डिस्कशन टॉपिक्स थे टॉपिक को कवर कर रहे क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा नहीं तो वीडियो। E6 R3 EWG गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर उनका थॉरली डिस्कशन हुआ है। E11 A EWG पेडियाट्रिक एक्सट्रापोलेशन इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है।
E14A7B IWG, that is clinical evaluations of QT and QTCs, interval prolongations and proarrhythmic potentials for non-arrhythmic drugs. Iske upar thoroughly discussions hua hai. E19 EWG optimizations of safety data collections. Iske upar discussions hua hai. E20 EWG adaptive clinical trials. Iske upar discussions hua hai. M10 EWG jo hai bioanalytical method validations. Iske upar thoroughly discussions hua hai. M11 EWG jo hai clinical electronic structured harmonized protocol hai ye. Iske upar bhi discussion hua hai. M12 jo hai wo hai drug interaction studies ke upar discussion hua hai. Q2 jo ki na hum logo ko sabko malum hai, Q2 mein R2 hai aur Q14 isme hai analytical procedure development and revision of Q2, that is validation of analytical procedure. Iske upar discussion kiya gaya hai. Q5A mein hai viral safety evaluations and say, biotechnology products derived from cell line of human and animal origin. Iske upar discussion kiya gaya hai. Q12 mein aata hai technical and regulatory considerations for pharmaceutical product life cycle management. Iske upar discussions thoroughly hua hai. Q13 mein aata hai cutaneous continuous manufacturing of drug substances and drug products. Iske upar thoroughly discussion hua hai. S12 mein aata hai non-clinical biodistributions considerations for gene therapy products. Iske upar thoroughly evaluations hua hai. WGS jo non-meeting in Singapore mein tha, usme tha standard pediatric EWG pehle tha. Second mein hai E2B R3. Isme EWG IWG dono hai. Isme tha revision of the electronic submissions of individual case study reports. E8 R1 EWG. Isme jo revisions hone wala hai, revisions on general considerations for clinical studies. E9 R1 EWG isme hai addendum tha iska. Addendum hai, addendum to the defining of adaptive estimated for clinical trial and sensitivity analysis. Aage E17 IWG hai, ye hai multi-regional clinical trial ki upar. M1 PTC WG jo hai MedDRA points to be considered. M2 EWG electronic standards for the transfer of regulatory informations. Iske upar discussion hua hai. M4QR1 IWG CTD quality IWG addressing the CTDQ related questions. M7R2 maintenance EWG IWG isme hai addendum tha ek, addendum to assessment and control of DNA reactive multigenic DNA reactive mutagenic impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk. Iske upar a addendum ke upar discussion hua hai. M8 EWG IWG isme hai the electronic common technical document jisko hum log bolte hai ECTD, iske upar discussion hua hai. M9 biopharmaceutics classification system based on the bioweavers, iske upar discussion hua hai. Q3C R8 jo ki hai maintenance EWG isme hai ki maintenance of the guideline for residual solvent. Q3D jo hai maintenance, isme maintenance of the guideline of elemental impurities. S1R1 usme ek revision hai, revision related to rodent carcinogenicity study for human pharmaceutical guideline. Uske baad S5 mein revision hai, revision on detections of toxicity to the reproduction of human pharmaceuticals. S11 mein hai non clinical safety testing on the support of
डेवलपमेंट ऑफ पेडियाट्रिक मेडिसिंस, जनरल ड्रग डिस्कशन जो है कि जीडीजी, जनरल ड्रग डिस्कशन ग्रुप के साथ डिस्कशन हुआ है, सॉरी जेनेरिक ड्रग डिस्कशन ग्रुप जो है जीडीजी, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। क्वालिटी डिस्कशन ग्रुप जो है कि यूडीजी, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। फार्माकोपी डेमोलॉजी डिस्कशन ग्रुप जो है कि पीई पीआईडीजी, इसके साथ डिस्कशन हुआ है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट चार डेट डिक्लेयर कर दिया है जो हम लोग बोलने वाले थे, पहले वो प्रपोजल में थे, लास्ट एंड ऑफ द मीटिंग में चार डेट जो कि ना 26 से लेके 27 मई 2020 को इसके आगे मीटिंग होने वाला है वैंकूवर कनाडा में। इसके बाद 17 से लेके 18 नवंबर 2020 को एथेंस ग्रीस में इनका मीटिंग होने वाला है। आगे जो है कि 1 से लेके 2 जून 2021 को कोरिया में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में होने वाला है। उसके बाद 16 से लेके 17 नवंबर 2021 को अमेरिका में इनका ट्रेनिंग होने वाला है। तो ये था मोटा मोटी आज का अपना टॉपिक जो था कि आईसीएच का जो न्यू माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग निकला है, उन्होंने पब्लिश कर दिया है। ये पब्लिश हुआ है फरवरी 10 तारीख को, 10th ऑफ द फरवरी उनका ये पब्लिकेशन हुआ है। अभी इसे बड़ा है उनका अमेंडमेंट्स, तो हम लोगों ने मोटा मोटी उसका ब्रीफ जो है वो डिस्कशन किया है आपके सामने। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और क्वालिटी को साथ में लेके चलते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सायोनारा।